आप ही लोग का स्कूल का एक लड़का जो यही पढ़ा, दसवां यहीं से किया, हम ही लोग से पढ़ा, हम ही लोग का क्लास किया, बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छा से पढ़ा, बहुत अच्छा रिजल्ट भी लाया, और वो लड़का भी तैयारी के लिए मेडिकल का तैयारी करने के लिए कहा गया है, कोटा गया। सोच लो, उसका नाम है अभिषेक कुमार, आपका स्कूल का वो सेकंड टॉपर था, इस बार एक नंबर चलते वो सेकंड टॉपर हो गया। कोई बात नहीं, नंबर से कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसका कॉन्सेप्ट अच्छा है, अगर आप पढ़े अच्छा हो, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है, आपके पास जुनून है, एनर्जी है, नॉलेज है, पॉजिटिव सोच है, अगर आप सही सोचते हो, कॉन्फिडेंस में रहते हो, तो कोई नंबर मायने नहीं रखता है। और उसमें वो था, आज देखो मेडिकल के लिए तैयारी करने के लिए कोटा गया, कोटा। सोच लो, ये गांव का लड़का, इस तरह का गांव का लड़का, हम लोग जैसा से पढ़ के क्लास करके, आप ही का स्कूल तेतरिया स्कूल से पढ़ करके, अगर कोई आदमी, कोई एक भी लड़का अगर बाहर निकलता है, तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव सोच, उससे देख के सीखिए, कुछ समझिए, कुछ जानने का कोशिश कीजिए, कुछ मोटिवेट होइए, कुछ समझने का कोशिश कीजिए, आप भी उस तरह करने का कोशिश करो। अरे होना नहीं होना वो अलग बात है, लेकिन अगर वहां तक सोच लिया कोई लड़का, अगर बाहर वो निकल गया तैयारी करने के लिए, अगर वो कोटा चल गया, अगर वो कोटा चल गया, तो समझो उसका 90% रिजल्ट हो गया बाबू, उसका 90% क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। सोचिए 90% वो रिजल्ट कर ले, 10% केवल उसको पढ़ना है, मन लगा के एकदम पॉजिटिव सोच लेकर के, इधर उधर बात में नहीं रहना है, केवल ट्यूशन जाना है, तैयारी करना है, पक्का रिजल्ट होगा यार। गांव का लड़का होकर के अगर इतना सोच मिल गया, तो समझो पक्का रिजल्ट वो लेके आएगा भाई साहब। सुने, यहां पढ़ के आप ही लोग मानो नुंगा का होते, तरिया कोरांबे है ना, मेहरम गड्ढा हो गया, लंबोइया हो गया, सिंगानी, ये सब का अगर लड़का यहाँ पढ़े, और वो अगर सोचे कि हमको बाहर जाना है, कोटा जाना है, दिल्ली जाना है, पटना जाना है, रांची में पढ़ना है, तो उसका सोच ही इतना मजबूत है ना, उसका सोच ही इतना उसका एनर्जी भर दिया, उसका 90% तो रिजल्ट हो गया भाई। सोच देख रहे हो, सोच कितना बड़ा सोच, यहाँ पढ़ के इतना बड़ा सोच, यही तो लाना है, यही सोच सबको लाना है। ये सोच कैसे आएगा, जब आप पढ़िएगा ढंग से, पूरा ढंग से पढ़िएगा, एक एक चीज जानिएगा, पूरा फुल एनर्जी में रहिएगा, हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट अगर आपका मजबूत रहेगा ना, तो आप भी यही सोचोगे, कभी पीछे मुड़ करके आप देखना नहीं चाहोगे, समझे जी। इसलिए डेली क्लास आइए, खूब पढ़िए, जो विषय आपको मजबूत है उसमें पूरा इंटरेस्ट लगाइए, पूरा उसको मजबूत बनाइए, गर्दा उड़ा के उसको पढ़िए, आपको ये जो विषय मजबूत है ना, आप वही विषय से बहुत आगे बढ़ जाओगे जी, बहुत आगे बढ़ जाओगे। अगर एक दो विषय भी अगर आप स्ट्रांग कर लिए, जिसमें आपको ये रुचि है, जिसको पढ़ने में मजा आता है, उसी का बहुत ज्यादा स्ट्रांग करो, बाकी बस सब पढ़ो, लेकिन वो स्ट्रांग वाला विषय में इतना स्ट्रांग बना दो, इतना एकदम उसमें आप एथिल मन लगा दो, लय हो जाना, कि आप उसी के बदौलत बहुत आगे निकल जाओगे जी, समझे। थोड़ा फ्रैंक होइए, एकदम रहिए, बिंदास रहिए, मस्ती मजाक में रहिए, एकदम थोड़ा एंजॉय करके पढ़िए, तब एकदम आगे आपका सोच थोड़ा सा बढ़ेगा, और आगे आप सेटल हो पाओगे, आगे का माहौल में ढल पाओगे, समझे। नहीं तो उस सब बात में अगर दब जाओगे ना, तो दबले रह जाओगे, पता चला दिल्ली गया, दिल्ली पटना जहां वो कोटा पढ़ रहा ना, लंबोइया तेतरिया नुनगांव का जितना जनसंख्या नहीं ना, उतना से ज्यादा आदमी एक बार में ट्यूशन पढ़ के वहां से निकलता है, एक बार में, एक ट्यूशन से उतना स्टूडेंट वहां निकलता है। सोच लो, बाहर निकलो तब ने पता चलेगा पढ़ाई का होता है रे, क्या किसे कहते हैं पढ़ाई, पढ़ाई का वैल्यू क्या है, नौकरी किसे कहते हैं, मेडिकल का तैयारी क्या होता है, इंजीनियरिंग का क्या होता है, बाहर तो निकलो, यही रह के लगता जे है से यही आहा, ऐसे थोड़ी होगा, समझे। तो ये कैसे होगा, पढ़िए बिंदास, एकदम मन लगा के, एक चीज समझिए, एक चीज जानिए, थोड़ा सा रहिए फ्रैंक, मस्ती रहिए, बिंदास रहिए, आप जितना बिंदास रहोगे क्लास में उतना पूछोगे, उतना आपका माइंड सोचने का पावर बढ़ेगा, और सुस्त कर ले रहोगे तो सुस्ते रह जाओगे भाई, फिर वहां सोचो 5000 के भीड़ वाला कोचिंग में चल गया, पीछे बैठेगा, बैठले रह जाएगा, नीचे सर झुके ले रहेगा, और अभी रहेगा ना थोड़ा एकदम एनर्जेटिक, एकदम थोड़ा सा उठपटांग टाइप का, वहां जाके पीछे बोल देगा सर ये क्वेश्चन फिर से बताए, समझा। और यही लक्षण रखना स्टूडेंट को, समझे जी।
आप ही लोग का स्कूल का एक लड़का, हम ही लोग का पढ़ाया हुआ लड़का जिनका नाम है अभिषेक कुमार, पता होगा वो मेडिकल की तैयारी करने के लिए कोटा चल गया है, ये पता होगा। बहुत अच्छा बात है, इसे पॉजिटिव बात समझना चाहिए। यही तेतरिया स्कूल का लड़का हम लोग जैसा है ना, हम लोग जैसा पढ़ाया हुआ लड़का, हम लोग से पढ़ा हुआ लड़का, आपके गांव का लड़का, ये सरकारी स्कूल में पढ़ के अगर वो कोटा जाता है मेडिकल की तैयारी करने के लिए, तो समझो उसका 90% यार रिजल्ट हो गया। अगर ये इतना सोचा तो उसका रिजल्ट हो गया। अगर वो इतना सोच लिया इस स्कूल में पढ़ करके, हम लोग जैसा टीचर से पढ़ करके कि हमको कोटा जाना है मेडिकल का तैयारी करना है, तो उसका सोच जो है ना वही हो, तो 90% उसका रिजल्ट दिला दिया। अब उसको 10% यही करना है, डेली ट्यूशन जाना और पढ़ना, बस इधर उधर के बात में नहीं रहना, समझे। एक सीख वाली बात है कि नहीं, सीखिए, देख उख के सीखिए, आप लोग भी जानकारी लीजिए, फोन कीजिए, दोस्त है आप लोग, बात होता है, जानिए कि कैसा है, नहीं है, क्या पढ़ाई होता है, वहां का माहौल क्या है, उससे सीख मिलता है, इसी तरह सीखता है। और इसलिए हम बोलते रहते कि यही रह करके यही मत सोचो कि तेतरिया लंबोया ही दुनिया है, बाहर निकलो एक कंपटीशन में बैठो तब पता चलेगा, समझे। वहां जिस जगह वो गया ना, वहां खाली मेडिकल आईआईटी इंजीनियरिंग का तैयारी होता है, और जितना लंबोया तेतरिया का जनसंख्या नहीं है ना, उतना एक बार में वहां ट्यूशन पढ़ के लड़का निकलता है, सोचो। और वहां इतना जनसंख्या जितना यहाँ जनसंख्या नहीं है, उतना एक ट्यूशन से लड़का निकलता है पढ़ के, एक घंटा ट्यूशन करके निकलता है उतना लड़का, सोच लो। आप वैसा भीड़ में जा रहे हो पढ़ने के लिए, इस गांव करके हो करके वैसा भीड़ में आपको फाइट करना है, उन लोग साथ फाइट करना है जहां पूरा इंडिया का स्टेट का लड़का पढ़ता है, पूरा भारत का हर कोना कोना का लड़का पढ़ता है, तो कैसे फाइट करोगे। नॉलेज होना चाहिए, पूरा जबरदस्त कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जो भी जानिए एकदम धाकड़ जानिए, बढ़िया से जानिए, खुल के पूछिए, बिंदास रहिए, एकदम मस्ती रहिए, फ्रैंक रहिए, एकदम इनर्जेटिक रहिए, तब ने वहां से आप भी सेटल हो पाओगे, उस माहौल में ढल पाओगे। और अपने आप में रह गए आए वहां ऐसे नहीं होता है, समझे जी। पूरा पढ़िए, मन लगा पढ़िए, एकदम एक दूसरे का हेल्प लीजिए। जो सक्सेसफुल आदमी है, जो सक्सेस के रास्ता में चल रहा है, जिसका सोच पॉजिटिव है, उससे हेल्प लीजिए। नेगेटिव इंसान से कभी हेल्प मत लो, जो आए मैं फूके वाला काम, इन्हें एक बात उन्हें, उन्हें एक बात उन्हें, कभी कहा वो और तुमको नेगेटिव में धकेल देगा। कहा बोल तोर से होता, काहे से सोच रहा है, अरे ऐसे वैसे तैसे, इस सबसे दूर रहो। इंसान ने करता है, कोई लड़के ने करता है, यार हम भी लोग जैसा लड़का करता है, चल समझे जी। तो रिजल्ट अच्छा कीजिए, अगर अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा, पढ़ाई अगर मजबूत रहेगा, तो कभी ना कभी काम देगा ही देगा, और वो दिखिए जाएगा। किसी को बोलने और कहने से कोई मतलब नहीं, एक कान से सुनो एक कान से निकालो। अरे जब कुछ भी नहीं करोगे ना तो भी आदमी बोलेगा, कुछ करना शुरू करोगे ना तो भी आदमी बोलेगा, जब सक्सेस हो जाओगे ना तो भी आदमी बोलेगा, कहियो आदमी नहीं छोड़ेगा यार, कहियो आदमी नहीं छोड़े। कुछ नहीं करेगा ना, कुछ ना करो, गांव में बुर्बक बनल रहो, बैठल रहो, इन्हें ढंग मना उन्हें ढंग मना, किसी मांगते रहो, तब समाज बोलेगा नहीं एक अच्छा लड़का, एक नंबर लड़का, सबके बात मानता है, जे कभी से करल देता। कुछ करल सोचो, पूरा समाज ताना मारना शुरू कर देगा, उस रास्ता पर चल जाओ, बाहर निकलना शुरू करो, फिर ताना मारना शुरू कर देगा, यहाँ गले वहां गले, ई करते वो करते, देखो इन का करते, ओरी बोरी बोलना शुरू कर दे। जब रिजल्ट हो गया, जब नौकरी हो जाएगा, फिर अगल बगल से ताना, एकदम जलन इतना बढ़ जाएगा। और अगर आप उस नौकरी में अच्छा करने लगोगे, अपना पद पर रह करके आप अच्छा कोशिश करोगे अच्छा करने का, फिर वहां का ग्रुप से जलन, ये हमसे आगे निकल जाएगा, ऐसे ये कर रहा है, इसका नाम हो रहा है, चर्चा में चल रहा है, ये चर्चा में चल रहा है, फिर वहां आपको परेशान करने के लिए। तो मतलब कभी भी आपको कभी भी ऐसा मतलब लाइफ नहीं आएगा, कोई भी ऐसा टाइम नहीं आएगा कि आदमी आपको परेशान करना नहीं छोड़ेगा, हमेशा करेगा। ये जिंदगी का ये सच्चाई है और सबके साथ है, ये पूरा इंडिया में होता है। होने दो, अपना काम से मतलब रखो, काम करो, नौकरी लो, आगे बढ़ो, ऐसा पढ़ाई लिखाई करके यहाँ से आगे जाइए कि आप लोग भी बाहर होकर के पढ़िए।